टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म के लिए वो रहेगा ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमको लग रहा है कि Q3 के नतीजे बहुत ही दमदार आएंगे, और इसका एक रीजन है कि कंपनी ने अपनी जो कोरियन सब्सिडरी है सियाचोंग, यहाँ से पूरी तरह से इन्होंने एग्जिट कर दिया है। पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़े बहुत लॉसेस इस कंपनी के कारण कंपनी को भुगतने पड़ रहे थे, बट अभी ये पूरी तरह से बैलेंस शीट से निकल गई है, तो डेफिनेटली इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। रही बात ऑटो सेक्टर में, तो काफी हद तक इनके जो प्राइम जो प्रोडक्ट्स है वहां पे 6-8 महीने का अभी भी वेटिंग पीरियड है। ट्रैक्टर सेल्स भी डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, और प्लस जिस प्रकार का न्यूज फ्लो इनके सब्सिडरीज डिलीवर कर रहे हैं, जैसे टेक महिंद्रा ने जो निवेश किया है, इसका भी फायदा कंसोलिडेटेड एंटिटी पे जरूर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे जरूर खरीदना चाहिए, करीबन 1100 का टारगेट प्राइस लेके, करीबन 6 से 12 मंथ्स का अगर कोई नजरिया रखता है तो इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी पॉसिबल है। और मुझे लग रहा है अगले साल होपफुली सेमीकंडक्टर का इश्यू सॉर्ट आउट होता है तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और जो स्टॉक मुझे पसंद है उस स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। देखिए, क्लियर कट हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी, और आज के सेशन में यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप भी बनते हुए नजर आया है। मोर इम्पोर्टेंटली, 4.5 लाख शेयर्स का एक ऑप्शन बैरियर 300 के स्ट्राइक पर विजिबल था, जहां पर ऑलरेडी अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10% का ओआई उसमें रिड्यूस होता हुआ नजर आ चुका है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी आज के सेशन में एक अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि बैंक की तरफ से एक वापस से सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो बंधन बैंक खरीदने की सलाह रहेगी 315-318 रुपए के दो टारगेट्स के लिए, 298 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बंधन बैंक मेरी तरफ से खरीदारी करके चलने की सलाह है।